अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ तो ठीक ही होंगे। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल, मैं हूँ मुख्तियार। ब्रांड न्यू ब्लॉक में आपका स्वागत हो गया दिल से। अभी हम बना रहे हैं बिरयानी, 2 kg रखा हुआ है गोश्त कुकर पे। हम तकरीबन इसको 20 मिनट तक हल्की आंच पे रखेंगे। हमको चाहिए 2 अदद प्याज ब्राउन करने के लिए, वो भी रख लिए हैं। अभी 2 चाहिए हमको टमाटर, वो डालेंगे गोश्त में, थोड़ा जायके के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। ये नेचुरल देसी बिरयानी होगी घर की, वो तरीका हम बता रहे हैं। जो होटलों की बिरयानी होती है उसमें मसाले वगैरह सही नहीं डाले जाते हैं, ये जो है ना हमारी अपनी बिरयानी है, अपने तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। हमको 2 चाहिए, 1 धनिया 1 पुदीना, इनको ब्रिक काट के साइड पर रखेंगे, ये हमको आगे काम आएंगे, उसके लिए हमको बताएंगे आपको आगे। थोड़ा सा हमको थोड़ा सा जीरा चाहिए गोश्त के ऊपर डालने के लिए, इसमें अच्छी टेस्ट आएगी बिल्कुल। अभी हम 2 डालेंगे इसमें दही, 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, ये थोड़ा मिक्स करके अच्छे तरीके से। आग देखो मीडियम, बिल्कुल नरम। अभी हम डाल रहे हैं बिरयानी मसाला इसमें, अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे छोड़ देंगे बिल्कुल। माशाल्लाह अभी देखो हमारा गोश्त रेडी हो गया। अभी हम काटेंगे 1 नींबू और 2 टमाटर, ये हमको आगे काम आएंगे, बाद में आपको बताएंगे तो ये किस चीज़ के लिए हमने काटे थे, बिल्कुल बारीक काटेंगे। उसके बाद में हमको चाहिए मसाला गर्म, इलायची लौंग, ये हम पानी में डालेंगे। ये जो है हम राइस डालेंगे उसके में, बहुत खुशबू अच्छी देंगे। और नमक डाल दिया, माशाल्लाह हमारे चावल भी अभी रेडी हो गए। अभी आपको दिखाते हैं आगे, चावल निकाल के पानी से बिल्कुल साइड पे करेंगे। अभी हमारा जो मेन बिरयानी का मसाला है वो रेडी हो गया है, सारा कुछ, ग्रेवी, प्याज, टमाटर, नींबू, धनिया, पुदीना, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसको मिक्स करके आपको दिखाते हैं, इसका मेन लुक आता है अच्छे तरीके से वो, माशाल्लाह देखो। अभी इसके ऊपर नींबू रखेंगे, उसके बाद टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो अभी आ रही है इसके ऊपर ग्रेवी, हम इसको ऐसे ग्रेवी डालते, चावल डालते, मसाला हर चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको करेंगे फुल। उसके बाद दिखाते हैं आपको तो बिरयानी, ये जो है ना देसी तरीका है अपने घर का बनाने का, इसको डालेंगे बिल्कुल लजीज। दिखाते हैं दोबारा इसके ऊपर चावल, होटलों पे होती है वो सेम नहीं होती, वही करेंगे ऊपर वही डालेंगे हमारा धनिया, बिल्कुल बिरयानी अभी दम के लिए बराबर रेडी होगा। ऊपर से कलर डाल रहे हैं जो अच्छे लुक के लिए, सेम प्रोसेस चावलों के ऊपर राइस अच्छे लगे। अभी लास्ट ये अभी ऊपर से थोड़ा सा कलर डालेंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए अभी इसको देने के लगा देंगे और कवर कर देंगे 20 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया हमारी बिरयानी, उसके बाद माशाल्लाह 20 मिनट के बाद देखो कैसा अभी लुक है और कैसी हमारे चावल, माशाल्लाह बिल्कुल साबुत चावल है, कोई टूटा चावल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बिरयानी जबरदस्त बिल्कुल रेडी है, आप ये नेचुरल तरीका है बनाने का बिरयानी बोलना और किस किस माशाल्लाह। ये हमारी अभी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक और कमेंट्स, ये मेरा प्यारा दोस्त है का इजहार लाजम करना, ये हमारे भाई है, तुम्हारे इंतजार करेंगे सारे दोस्तों, इन दोनों ने हमारा साथ दिया हुआ है। अभी सर्व कर रहे हैं, देखो खाते हैं, ये मैं आपको बताते हैं तो कैसे है। अभी ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा छोटा भाई है, अल्लाह इसको और तरक्की दे माशाल्लाह। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जबरदस्त, अभी चेक करके आपको बताते हैं बिरयानी तो क्या इसमें टेस्ट है, क्या लज्जत है। हमको तो बहुत देखते रहो मेरा चैनल से और आप लोगों को है, माशाल्लाह चाहिए तो बहुत खूब बनाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ये है हमारा शुक्रिया।
बताओ कैसे बनी है। वाह उस्ताद हमेशा की तरह। सलाता ख्यार सेवन अप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल आई देर से लेकिन दुरुस्त नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। मजाक कर रहा हूँ यार ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारा बहुत अच्छे दोस्त माशाल्लाह यार मेरी यार दावत है माशाल्लाह जबरदस्त दावत। बिल्कुल ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। बिल्कुल ये हमारा उस्ताद है। ये तो लोगों का दोस्तों का मोहब्बत है। नहीं तो जितना बोले उतना कम है। बिल्कुल बिरयानी खिला मैं बोला जबरदस्त। देखो बोलते हैं कराची की बिरयानी तो हैदराबाद की, पर ये